सेप्टिसीमिया या खून के अंदर पस हो जाना, ये एक जानलेवा कॉम्प्लिकेशन है सभी बीमारियों का। और सेप्टिसीमिया में जब पेशेंट जाता है वो आखिरी स्टेज जाता है, उसके बाद पेशेंट शॉक में चले जाता है, उसका बीपी और पल्स कम हो जाता है। और ऐसे कंडीशन के अंदर यदि एंटीबायोटिक्स भी काम नहीं कर रही है और आपके पास एक होम्योपैथ के पास आया जाता है पेशेंट, तो हमारे पास मुख्तसर दवाएं हैं, एक है पायरोजन और दूसरी है एंथ्रासिनम। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वणक्कम। एंथ्रासिनम का एक दूसरा रूप हम देखते हैं, वो है सेप्टिसीमिया के केसेस के अंदर। जब पेशेंट को समझो स्किन का इन्फेक्शन चालू हो गया, एक फोड़ा हुआ था स्किन का, उसने एंटीबायोटिक ली, मलम लगाया, नहीं ठीक हुआ, और खास करके उसको डायबिटीज़ है या फिर ऐसी कोई इम्यून बीमारी है जहाँ उसकी इम्यूनिटी बहुत कम है, तो ये फोड़ा अब वहाँ फोड़ा स्किन पे नहीं रहा, वो अंदर चले गया, ब्लड में पसर गया। अब पेशेंट को बहुत ज़्यादा फीवर है, वीकनेस अत्यधिक है, पल्स बहुत लो है, हार्ट बहुत कम काम कर रहा है, पेशेंट का बुखार दिमाग में चले गया है, कुछ तो बड़बड़ा रहा है, चिल्ला रहा है, रो रहा है, कहीं जगह से ब्लीडिंग हो रही है, लैट्रिन की जगह से ब्लीडिंग हो रही है, और ब्लीडिंग भी बिल्कुल काली तरह की हो रही है, नाक से ब्लीडिंग हो रहा है, साथ में उल्टी हो रही है, उल्टी भी काली हो रही है, पेशेंट बहुत डाउन है। पहला ड्रग हम लोग पहले ज़रूर देखते हैं कि पायरोजन से समझ आए, बट पायरोजन भी अगर काम नहीं करती तो हमको नेक्स्ट बेस्ट ड्रग है वो है एंथ्रासिनम। हमारे पास कई बार पेशेंट आते हैं पेट का कैंसर लेके हुए। जी हाँ, स्टमक के अंदर या पेट के अंदर कैंसर हो गया, बहुत बड़ा मास है, आखिरी स्टेज है, लेकिन आज की तारीख में पेशेंट उल्टियाँ कर रहा है, गलते जा रहा है, बुखार बहुत ज़्यादा, उल्टी जो है बिल्कुल काली रंग की है, सब काला खून निकल रहा है, पेशेंट को आई वी लगा है लेकिन बीपी नहीं बढ़ते जा रहा है। दोस्तों, तुरंत आपके पास अगर आपको हल ढूंढना है तो आपके पास लैकेसिस है, आपके पास इलैप्स करके दवा है जो हम लोग ने डिस्कस कर चुके हैं, और तीसरी दवा है एंथ्रासिनम। यानी बाकी सब दवा नहीं काम कर रही है तो एंथ्रासिनम। कई बार तो अभी तो ऐसी सिचुएशन आता है जब एंथ्रासिनम को फर्स्ट स्टेज में ही देना पड़ता है। ये सबसे सर्वोत्तम जान बचाने वाले एक एंटीबायोटिक के काम में जैसे काम करने वाले एक होम्योपैथिक दवा है, इसको आप जरूर याद कीजिए। जो दवा बताता हूँ प्लीज़ अपने होम्योपैथ से कंसल्ट करके लेंगे, और पोटेंसी भी उन्हीं से कंसल्ट करके लेंगे। जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट्स दीजिए आपके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके सब्सक्रिप्शन से हमारा मोटिवेशन, हमारा मनोबल बढ़ता है और हम लोग और आगे प्रयास करना चाहते हैं। दोस्तों, फर्स्ट संडे ऑफ एवरी मंथ मैं मुंबई आता हूँ। यदि आपको ऐसे ही कोई पेशेंट आपके एडमिट है या आप उसे डिस्कस करना चाहते हैं तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी ऑन 7620592847। बाकी दिन नागपुर महाराष्ट्र में रहता हूँ। हम लोग जैसे होम्योपैथी प्रैक्टिस करते हैं, अगर आपको भी हमारे जैसे सीखना है या हमसे कुछ सीखना है तो प्लीज़ मैं आपको ओपन इन्विटेशन देता हूँ, निमंत्रण देता हूँ हमारे समर स्कूल अटेंड करने का। हमारे साथ रह के साथ खाएंगे पिएंगे और साथ पेशेंट्स देखेंगे, और आप भी सीखो और आप हमको भी कुछ सिखा के जाओ होम्योपैथी के बारे में। रजिस्ट्रेशन शुरू है 11 से लेकर 18 जून के बीच में समर स्कूल होने वाली है। प्लीज कॉन्टैक्ट अस ऑन 9307965618। थैंक यू वेरी मच।